नमस्कार दोस्तों, आओ सीखे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम दो रंग का ये खूबसूरत सा डिज़ाइन बनाएंगे, जिसे आप बच्चों के स्वेटर में, कार्डिगन में, जैकेट में, कोटी में, टोपी में, सॉक्स में, शूज़ में, टॉप में, पुलोवर में, चाहे किसी भी मनचाहे प्रोजेक्ट में बना सकते हैं। इसे बनाने के लिए 8 के मल्टीपल फंदे चाहिए और 5 फंदा एक्स्ट्रा। तो चलिए हम डिज़ाइन बनाते हैं। फ्रेंड्स, बॉर्डर बनाते हुए आप रॉन्ग साइड में आएंगे। चूँकि डिज़ाइन हमारा रॉन्ग साइड से बन रहा है, तो अब यहाँ पे हम दूसरे रंग का ऊन लगाएंगे और सभी फंदा उल्टा बना लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, दूसरे रंग के ऊन से सभी फंदे उल्टे बना लिए गए हैं और अब हम राइट फ्रंट साइड पे हैं। तो ये डिज़ाइन का दूसरा लाइन है और अब हम पहला फंदा सीधा बनेंगे या उतार लेंगे, अगला फंदा उल्टा, फिर नेक्स्ट फंदे में दो बार लपेटते हुए हम एक उल्टा फंदा बना लेंगे, फिर तीन फंदा उल्टा, एक दो तीन, और चौथे फंदे में हमें तीन फंदा बनाना है। ऊन दो बार लपेटा, एक उल्टा फंदा बनाया, फिर ऊन सिलाई में ऐसे चढ़ा लिया और फिर दो बार लपेटते हुए एक उल्टा फंदा। यहाँ पे हमने एक फंदे से तीन फंदा बना लिया, फिर तीन फंदा उल्टा। देखिए फ्रेंड्स, इन्हीं 8 फंदों को हमें पूरी लाइन में दोहराना है। पहले फंदे में दो बार ऊन लपेटते हुए एक उल्टा फंदा बनाना है, फिर तीन फंदे उल्टे, फिर अगले फंदे में हमें दो बार ऊन लपेटते हुए एक उल्टा फंदा बनाया, फिर ऊन सिलाई में चढ़ाया, फिर इसी में एक बार और दो बार ऊन लपेटते हुए एक उल्टा फंदा, यानी हमने एक फंदे से तीन फंदा बना लिया है। अगला तीन फंदा उल्टा, फिर देखिए दो बार ऊन लपेटते हुए एक उल्टा फंदा बनाया, फिर तीन फंदा उल्टा, तीन, फिर इस फंदे में हमें तीन फंदा उल्टा बुनने के बाद चौथे फंदे में हमें तीन फंदा बनाना है। तो एक फंदा दो बार ऊन लपेटते हुए उल्टा बुना, फिर ऊन सिलाई में चढ़ाएंगे, फिर इसी फंदे में एक बार और दो बार ऊन लपेटते हुए एक और उल्टा फंदा बना लेंगे। अगला तीन फंदा उल्टा, फिर नेक्स्ट फंदे को सिलाई में दो बार ऊन लपेटते हुए उल्टा बनाएंगे, फिर तीन फंदा उल्टा, एक दो तीन, फिर अगले फंदे में हमें एक फंदे से तीन फंदा बनाना है, दो बार सिलाई में ऊन लपेट के एक उल्टा फंदा बनाएंगे, फिर ऊन सिलाई में चढ़ाएंगे और फिर इसी फंदे में एक बार और दो बार लपेटते हुए एक और उल्टा फंदा। यहाँ पे हमने एक फंदे से तीन फंदा बना लिया, फिर तीन फंदा उल्टा और अगला फंदा सिलाई में दो बार ऊन लपेटते हुए उल्टा, एक फंदा उल्टा और लास्ट फंदा सीधा। डिज़ाइन का तीसरा लाइन और अपने मेन कलर से हम दो फंदा उल्टा बुनेंगे, एक दो, और लपेटा हुआ फंदा खोल लेंगे और इसे हमें बुनना नहीं है, इसे हम स्लिप कर लेंगे, फिर तीन फंदा उल्टा, फिर लपेटा हुआ तीन फंदा खोलेंगे और इसे बिना बुने स्लिप कर लेंगे, फिर तीन फंदा उल्टा, अगला फंदा हम स्लिप करेंगे, नेक्स्ट तीन फंदा उल्टा, फिर लपेटा हुआ तीनों फंदा खोलेंगे और इसे बुना बुने स्लिप कर लेंगे, फिर तीन फंदा उल्टा। इसी तरह लपेटे हुए फंदे खोल के उसे स्लिप करते हुए और बुने हुए फंदे उल्टा बुनते हुए हम पूरी लाइन कंप्लीट कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स,
बुने हुए फंदे दूसरे रंग के ऊन से उल्टा बुनते हुए और लपेटे हुए फंदे खोल कर से स्लिप करते हुए पूरी लाइन कंप्लीट कर ली गई है। और अब हम फ्रंट साइड पे हैं और ये डिज़ाइन का चौथा लाइन है, तो दो फंदे हम सीधा बुन लेंगे, स्लिप किया हुआ फंदा स्लिप कर लेंगे, फिर तीन फंदा सीधा, स्लिप किया हुआ फंदा स्लिप कर लेंगे, फिर तीन फंदा सीधा, दूसरे रंग का फंदा स्लिप किया हुआ है उसे स्लिप कर लेंगे, फिर तीन फंदा सीधा, इसी तरह पूरी लाइन कंप्लीट कर लेंगे। डिज़ाइन का पांचवा लाइन और रॉन्ग साइड अब अपने मेन कलर से ही दो फंदा उल्टा, स्लिप किया हुआ फंदा स्लिप करेंगे, बुना हुआ फंदा उल्टा बुन लेंगे, स्लिप किया हुआ फंदा स्लिप करेंगे और बुना हुआ फंदा उल्टा बुन लेंगे, इसी तरह करते हुए पूरी लाइन कंप्लीट कर लेंगे। डिज़ाइन का छठा लाइन और सामने से चार फंदा सीधा बुनेंगे, एक दो, और अब इसे ये स्लिप किया हुआ जो फंदा था उसे भी सीधा बुन लेंगे, तीन और चार, और अब यहाँ पे जो एक से तीन किया गया फंदा था तो उसमें से एक फंदा लेंगे और ये तीन बुने हुए फंदों में से ये दूसरा फंदा है, इसको और इसको दोनों को एक साथ लेते हुए एक सीधा फंदा बना लेंगे, और उसके बाद ये बुना हुआ तीसरा फंदा, और अब तीन फंदों में से ये बीच का फंदा, और ये तीसरे फंदे को छोड़ के पहले इन तीन फंदों में से पहला फंदा बुन लेंगे, और एक से तीन किया गया फंदा में से ये तीसरा फंदा और ये बीच का दूसरा फंदा दोनों को एक साथ लेंगे और एक साथ लेते हुए एक सीधा फंदा बना लेंगे। देखिए ये तीनों फंदे ये बुने जा चुके हैं, अगला फंदा सीधा और ये जो अकेला फंदा स्लिप किया गया था उसे अपने स्थान पे ही सीधा बुन लेंगे, अगला फंदा सीधा, अब ये तीन फंदों में से ये दूसरा फंदा है ये और इन तीन फंदों में से पहला फंदा, इन दोनों को एक साथ लेंगे और फिर छोड़ा हुआ फंदा, फिर बीच का फंदा ये सीधा बुन लेंगे और इस तीसरे फंदे को छोड़ के पहले किनारे वाला फंदा, तीन फंदों में से पहला फंदा ये साइड से ऐसे बैक साइड से सीधा बुन लेंगे, फिर इस फंदे को बीच वाले फंदे के साथ एक साथ लेके सीधा बना लेंगे, अगला फंदा सीधा, ये जो सिंगल फंदा है उसको अपने जगह पे ही सीधा बुन लेंगे, उसके बाद वाला फंदा सीधा बुन लेंगे, और जो एक से तीन किया गया फंदा है तो दोनों तरफ तीन तीन फंदे हैं तो बीच वाले फंदे के साथ, यानी ये पहला फंदा मतलब एक फंदे के पहले आ जाएगा और इधर का फंदा एक फंदे के बाद, दोनों को एक साथ लेते हुए सीधा फंदा बना लेंगे। यहाँ पे हमने एक से तीन फंदा किया है तो दो फंदा बढ़ गए हैं, और अब क्या करेंगे कि ये फंदा और इन दोनों को एक साथ लेंगे और एक साथ लेते हुए एक सीधा फंदा बना लेंगे, अगला फंदा सीधा और बीच वाला फंदा जहाँ है वहीं पे सीधा बुन लेंगे, और फिर ये तीसरा फंदा है इसे एक फंदे के बाद हम लेंगे, एक फंदे के बाद कर लिया और इस फंदे को और ये बीच वाले दूसरे फंदे को एक साथ लेंगे और एक साथ लेते हुए एक सीधा फंदा बना लेंगे। देखिए ये पांच फंदे तीन फंदे हैं और अब यहाँ पे ये पांच फंदे हो गए हैं, बीच में एक एक फंदा आ गया है, अगला फंदा सीधा सिंगल वाला फंदा जहाँ पे है वहीं पे सीधा बुन लेंगे, अगला फंदा सीधा और ये एक से जो तीन फंदे किए गए हैं तो दो फंदा बढ़ गया है, इन पहले और तीसरे फंदे के एक फंदे के आगे कर लेंगे, तो ये देखिए ये इस फंदे को छोड़ देंगे, इसके साथ ये पहला फंदा लेंगे
और एक साथ लेते हुए एक सीधा फंदा बना लेंगे। फिर बुना हुआ तीसरा फंदा, लपेटा हुआ बीच का फंदा जहाँ है उसको वहीं पे सीधा बुन लेंगे, और ये तीसरे फंदे को एक फंदे के बाद हमको करना है, तो एक फंदे के बाद कर लेंगे और दोनों फंदों को उसको सीधा कर लेंगे, एक साथ लेते हुए एक सीधा फंदा बना लेंगे। फिर से देखिए, सिंगल वाला फंदा जहाँ है वहीं पे उसको सीधा बुन लेंगे, अगला फंदा सीधा, और एक से तीन किए हुए फंदे में दो फंदा अधिक हो गया है तो उसको बीच वाले फंदे के साथ, जो एक से तीन यहाँ पे तीन फंदा सीधा बुना गया है तो बीच वाले फंदे के साथ इधर का एक फंदा और इधर के बीच वाले फंदे के साथ यानी दूसरे फंदे के साथ इधर का एक फंदा एक साथ लेके बुन लेंगे। दोनों को एक साथ लिया, एक सीधा फंदा बनाया, अगला फंदा सीधा, और बीच वाला फंदा जहाँ है वहीं पे सीधा बुन लेंगे। इस वाले तीसरे फंदे को अभी छोड़ देंगे, अगला फंदा सीधा बुनेंगे और दूसरे फंदे के साथ तीसरा फंदा लेंगे और दोनों को एक साथ लेते हुए एक सीधा फंदा बना लेंगे। अब हमारे पास जितने फंदे थे वापस उतने फंदे हो गए हैं। सेवेंथ थ्रेड, सभी फंदे मेन कलर से उल्टे बना लेंगे, और आठवीं लाइन में सभी फंदे सीधे। नाइन्थ रो से फिर पहला लाइन शुरू हो जाएगा, यानी कि दूसरे रंग के ऊन से सभी फंदा उल्टा। टेंथ रो दूसरे रो की तरह बन जाएगा, यानी पहला फंदा सीधा, अगला उल्टा, फिर नेक्स्ट सिलाई में दो बार लपेटते हुए उल्टा, फिर तीन फंदा उल्टा, फिर अगले फंदे में हमें दो बार ऊन लपेटना है, एक उल्टा फंदा बनाना है, फिर ऊन सिलाई में लपेटेंगे और फिर दो बार ऊन लपेटते हुए एक उल्टा फंदा, यानी कि एक फंदे से तीन फंदा, नेक्स्ट तीन फंदा उल्टा, फिर अगले फंदे में दो बार ऊन लपेटते हुए एक उल्टा फंदा, फिर तीन फंदा उल्टा, लपेट के एक फंदा बना है, यहाँ पे एक फंदा बना है तो यहाँ पे एक फंदा बनेगा, फिर तीन फंदा उल्टा, और यहाँ पे एक से तीन फंदा किया गया है तो यहाँ पे एक से तीन फंदा किया जाएगा, तीन फंदा उल्टा, यहाँ पे एक फंदा लपेट के उल्टा बना गया है तो दो बार ऊन लपेटते हुए एक फंदा उल्टा, फिर तीन फंदा उल्टा, और यहाँ पे देखिए एक से तीन किया गया है तो यहाँ पे हम एक से तीन करेंगे, दो बार लपेटे ऊन सिलाई में चढ़ाए, फिर दो बार ऊन लपेटते हुए उल्टा, यानी जहाँ जहाँ पे जैसे जैसे बना है वैसे ही रिपीट करना है, यानी दूसरा लाइन हमको दसवां लाइन जो है वो दूसरे लाइन की तरह ही बनाया जाएगा। तो फ्रेंड्स, डिज़ाइन बनके तैयार है, सामने से ये ऐसा दिखाई दे रहा है और रॉन्ग साइड से ऐसा, आठ लाइन का ये रिपीटेड डिज़ाइन है और इन्हीं आठों लाइनों को हमें दोहराते रहना है तो डिज़ाइन बनता चला जाएगा। तो फ्रेंड्स, डिज़ाइन आपके सामने है, यदि आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे अपने स्वेटर में बनाइए, इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, डिज़ाइन को अपने दोस्तों में, अपने रिश्तेदारों में शेयर कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।